हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। और हाँ, सबसे पहले सबको हैप्पी न्यू ईयर। और आज की वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं कुछ बहुत ही नादान और मन के सच्चे बच्चों के बारे में, जिनकी एज मेरे ख्याल से 9 या 10 साल होगी, लेकिन ये कोई आम बच्चे नहीं है। इस वीडियो में ये ट्रिगर्ड इंसान को रोस्ट करने जा रहे हैं, तो आओ यार देखते हैं इन्हीं बच्चों को जो कि आज ट्रिगर्ड इंसान का रोस्ट करने जा रहे हैं। चलो जैसे ये वीडियो स्टार्ट होती है, सबसे पहले हम लोग एक चीज नोटिस करते हैं, ये पीछे से भागता हुआ डोरेमोन जो कि बोलता है मैं लेट तो नहीं हो गया। ये बच्चा ऐसे बोलता है कि मैं लेट तो नहीं हो गया, जैसे कोई बिजनेस मीटिंग या ट्रेन छूट रही हो इसकी। और फिर दूसरी चीज़, ये जो ऑरेंज टी शर्ट वाला है, ये इसको बताता है कि आज हम ट्रिगर्ड इंसान को रोस्ट करने वाले हैं। और उसके बाद तो मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पे हार्दिक पांड्या की हमें बहुत ज़रूरत थी। अब जो भी ये हार्दिक पांड्या वाली मीम नहीं समझे हैं, वो लोग ये देखो। ये मैं कर लेता हूँ, तब तक आप ड्रीम इलेवन पे टीम बना लो। बैक टू कोल्ड ब्रदर्स। हाँ, तो इस वीडियो में हम लोग ट्रिगर इंसान को रोस्ट करने वाले हैं। तो अब इस क्लिप में हमने इनका बड़ा ही अनोखा अंदाज देखा है वेलकम करने का, जिसमें वो नोबिता को अपने खुद के ही चैनल का नाम बोलना नहीं आ पा रहा था, इसलिए बड़े बोलते हैं कि स्कूल में ध्यान देना चाहिए और पढ़ाई ही करनी चाहिए, जिससे ही कम से कम अपने खुद के चैनल का नाम या स्पेलिंग तो याद हो जाए। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। ड्रैगन इंसान को रोस्ट करेंगे। हां भाई, तेरे को क्या लगता है ड्रैगन इंसान कैसा काम करता है? पहले वो ऐसा था, फिर मेरे हिसाब से वो इतना हुआ, फिर थोड़ा बड़ा, फिर इतना हुआ, फिर इतना हुआ, फिर थोड़ा बड़ा, फिर इतना हुआ, फिर पूरा नीचे। कि इंट्रो के बारे में जरा कुछ बताइयो। इंट्रो भाई, तू इनसे इंट्रो की बात कर रहा है? इसकी बात है उस जमाने की, कैरी के पप्पी है, लोग ऐसे तो मट्टे मारते, उसके व्यूज में तो ठेंगा मिलता उसके। तो अब इस क्लिप में हमने देखा कि ये नोबिता पूछता है कि ये ट्रिगर्ड इंसान कैसा काम करता है। फिर डोरेमोन ने कुछ ऐसा रिप्लाई दिया है जो कि इस इंसानी प्रजाति को समझ नहीं आएगा, और इसको समझने के लिए हमें जादू की भाषा समझनी होगी। फिर इसके आगे इन बच्चों ने बात की ट्रिगर्ड इंसान के इंट्रो के बारे में। फिर बातों बातों में डोरेमोन ने बात की कैरी मिनाटी के बारे में। अब मुझे ये वीडियो देख के लग रहा है कि यूट्यूब को थोड़ी सी स्ट्रिक्ट पॉलिसीज बनानी चाहिए, क्योंकि ऐसी वीडियो देखने और उन पर टिप्पणी करने के लिए कम से कम 13+ तो होने चाहिए ना। फिर इन्होंने बात की है व्यूज़ के बारे में, तो इस पर मैं कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि वो सबको दिख रहा है कि किसके कितने व्यू हैं और किसके कितने सब्स हैं। और चलो इसी बात पे तुम लोग भी सब्सक्राइब कर दो, हाँ, जिसने नहीं किया हो, और देखो अनसब्सक्राइब करके सब्सक्राइब मत करना। हाँ, और भाई सबसे ज़्यादा गंदी बात मुझे लगी इस ट्रिगर्ड इंसान की, शो ऑफ करता है भाई, इसको इतनी सारी चीज़ें ने स्पॉन्सर किया, ठीक है भाई, क्यों बताना है? माना कि तुम्हें उनने स्पॉन्सर किया कि तुम यूट्यूब पे दिखाओ, तो शो ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है। और फैन फेस्ट पे नहीं बुलाया, इस साल 1 मिलियन, अगले साल 2 मिलियन हो जाएंगे भाई, इतना शो ऑफ करना है तो भाई जाओ ना गली के बाजार में जाके करो शो ऑफ, जाओ भाई, माना किया किसी ने? और कमेंट सेक्शन किस लिए है भाई, इतने कमेंट्स करते हैं हम लोग, कमेंट सेक्शन है ही, मतलब तुम ना उसके रिप्लाई देते हो, मैंने तो कम से कम तुम्हें हजारों कमेंट्स भेजोगे, कमेंट सेक्शन किस लिए है नहीं। तो इस क्लिप में जो इन्होंने बातें की है वो हर क्लिप की तरह ही हैं, एकदम बकवास। अब यार कोई कंपनी किसी को स्पॉन्सर करेगी तो बोलने का तो बोलेगी ना, अब वो कोई ऑटोग्राफ तो लेने गए नहीं है, उनको भी अपना प्रमोशन तो करवाना है। फिर इन बच्चों ने बात की है फैनफेस्ट और सब्सक्राइबर्स की, तो इस बात पे मैं यही कहूँगा थोड़ा अपना लेवल देखो और जिसके बारे में तुम बोल रहे हो उसका लेवल देखो। और रही बात वो कमेंट सेक्शन की, तो वो सब लोग जानते हैं कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कोई भी यूट्यूबर या कोई भी, मतलब मैं तो पढ़ता हूँ कमेंट्स, लेकिन कोई बड़ा यूट्यूबर जैसे एक पोस्ट भी करता है तो उस पर लाखों कमेंट्स आते हैं, ये तुमने भी देखा है। और ये पॉसिबल नहीं है कि वो हर किसी का कमेंट पढ़े
और फिर रही बात वो 1000 कमेंट्स वाले की, तो मुझे उस बात के बाद से यही मीम आ रही है दिमाग में। भाई सब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये, मतलब कुछ भी, मतलब पहले तुम हमारे स्टार हुआ करते थे, पता है स्टार, सीरियसली। तब मेरे दोस्त ने मुझे कैरी पराठे के बारे में बताया, स्टिल यू आर माय फेवरेट, बट हां कैरी पराठे के साथ अच्छा। जब से तू अपना शो ऑफ लेवल बढ़ाने लगा है ना भाई, हम अफोर्ड नहीं कर सकते भाई। अब इस क्लिप में इन्होंने जो बोला है ना, वो मुझे कुछ समझ नहीं आया, वो मेरे एकदम सर के ऊपर से गया है। मतलब कि दोनों साथ में ही बोलने लग गए। पहले डिसाइड तो कर लेते कि पहले कौन बोलेगा, बाद में कौन बोलेगा। और रही बात वो शो ऑफ करने और अफोर्ड ना करने की, तो भाई देख, मेरे पास तेरे लिए एक सॉल्यूशन है। जो आदमी पसंद ना आ रहा हो ना, उसकी वीडियो मत देख, एज सिंपल एज दैट। देख भाई, अगर तेरे को इतना ही शो ऑफ करना, तो या तो हटा ले, जाके गली में जाके अपना यूट्यूब कर ले, या हमारा दिमाग मत खा, चुपचाप यूट्यूब करियर बंद कर। और हमें इतना पता है कि अगर हमें तेरा रोस्ट कर रहा है, तो शायद हमारा भी रोस्ट हो जाएगा तेरी तरफ से। हाँ, वी डोंट केयर, क्योंकि हमें पता है हम बच्चे हैं, दिल के सच्चे हैं, कच्चे पहनते हैं, तुझ जैसे नहीं है गधे बेवकूफ। तो अब इस क्लिप में भी इन्होंने वही सेम बातें कही हैं। अगर शो ऑफ करना हो तो गली में यूट्यूब खोल ले। नहीं, अगर ऐसा है तो मैं प्यूडीफाई को बोलता हूँ ना कि तू 100 मिलियन का शो ऑफ मत कर और गली में यूट्यूब खोल ले। और फिर उसके बाद वो डोरेमोन ने क्या मुंह बनाते हुए धमकाया है। हाँ, इस धमकी से किसी को डर नहीं लगता, वो अलग बात है। फिर इन बच्चों ने कुछ सत्य वचन कहे हैं। ये बच्चे ये कहना चाह रहे हैं कि इनका भी रोस्ट होगा। फिर उसके बाद उन्होंने कहा है कि वी डोंट केयर, करना हो तो कर, हाँ मतलब मैं कर ही रहा हूँ। फिर उसके बाद इस डोरेमोन ने बोला है कि ये मन का सच्चा है और रोस्ट कर रहा है, और फिर वीडियो ख़त्म। तो बस गाइस, आज की वीडियो में इतना ही, और आज का जो गेम प्ले था ये संस्कार के पीसी से रिकॉर्ड हुआ है। वैसे मैं आज की वीडियो में कुछ और भी बात करना चाह रहा था, वो तो बात ये है कि हमारा डिस्कॉर्ड सर्वर भी लेवल 3 हो चुका है, लेकिन वो लेवल 3 ज़्यादा दिन टिकेगा नहीं, क्योंकि डिस्कॉर्ड सबके नाइट रोज ले रहा है, और उसी वजह से हमारे बूस्ट भी चले जाएंगे। और हमारे सर्वर में 500+ मेंबर्स भी हो चुके हैं, इसीलिए मैं पूरे स्टाफ को शाउट आउट देना चाहता था, और सबका नाम तुम्हें पता चल जाए, और पूरे सर्वर की ग्रोथ के पीछे वही लोग हैं। तो सबसे पहले हमारे स्टाफ में ओनर्स हैं, मैं और संस्कार। फिर हमारे सर्वर में 2 हेड एडमिन हैं, रिजाकी, और उसके बाद सेकंड हेड एडमिन है इन्फिनिटी स्पीकिंग, ऐसे नाम रखते हैं सब। और उसके बाद हमारे सर्वर के 3 एडमिन्स हैं, पहला टोनी स्पीकिंग, दूसरा कालोपी, और तीसरा ऑफिशियल नियर। सब डेथ नोट के फैन लगते हैं इसमें। फिर हमारे सर्वर में 1 हेड मॉड भी है, जिसका ओरिजिनल नाम है गर्वित। और फिर हमारे सर्वर में 2 मॉड्स हैं, अरीब और सूर्योनक। सो अ बिग शाउट आउट टू अरीब, सूर्योनक, गर्वित, कालोपी, ऑफिशियल नियर, टोनी स्पीकिंग, रिजाकी एंड इन्फिनिटी स्पीकिंग। वैसे मैं सही बोलूँ तो ये सर्वर पहले एकदम मेंटेन नहीं था, और इन्हीं लोगों ने सब किया है, और इसी की वजह से हमारे लेवल 3 है और 500+ मेंबर्स हैं। बस गाइस, अब मैं भी खेलता हूँ। तुम लोग को वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, और दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, और हमारा कोई स्टाफ ही वीडियो देख रहा है तो कमेंट कर देना। चलो बाय गाइस, जाते जाते एक मीम ही देख लो। मैं इतनी सुंदर हूँ, मैं क्या करूँ? तो बेटा काम कर, पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं हिंदुस्तान को तेरी, पहली।